अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आतिश्याम और आप देख रहे हैं टेस्ट मास्टर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर के बारे में बात करेंगे और ये एक सेकंड पेपर है जो कि पास्ट पेपर है और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से ही आते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, रिकार्डो लागोस एस्कोबार वाज द प्रेजिडेंट ऑफ, सो ही वाज द प्रेजिडेंट ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेजिल फेयर। तो वो कहता है कि सेजिल फेयर से आप क्या मुराद लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, एसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज रिटन बाय, एक पैरा एक पूरा ऐसे जो रसूल पाक सल्लम की ज़िंदगी पर लिखा गया है कि वो किसने लिखा है, वो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर फोर है, हु वाज द फर्स्ट कैनेडियन वूमेन इन स्पेस, जो पहली वूमेन औरत थी जो स्पेस की कैनेडियन थी, वो थी रॉबर्टा बोंडार। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु वाज द फर्स्ट कैनेडियन इन स्पेस, तो जो फर्स्ट कैनेडियन था स्पेस के अंदर वो थे मार्क ग्रेन्यू। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव नोबल प्राइज ट्वाइस द टू डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब किसने नोबल प्राइज़ दो दफ़ा जीता है और दो डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो के अंदर किस में, तो वो थे मारियन क्योइल। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन, जो दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट दरिया है सबसे छोटा वो यूएसए के अंदर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर एट है, द डीपेस्ट लेक इन इज़ इन साइबेरिया, तो साइबेरिया के अंदर बाइकल लेक है जो सबसे डीपेस्ट लेक है गहरी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे लार्जेस्ट लंबी लेक है दुनिया के अंदर, तो वो है कैप्सियम सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है, क्वेश्चन नंबर टेन है, विच इज़ द लार्जेस्ट गोल्फ, तो जो लार्जेस्ट गोल्फ है वो है गोल्फ ऑफ मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर एलेवन है, व्हाट इज़ द ग्रेट बियर, तो ग्रेट बियर एक लेक है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, हु डिस्कवर्ड साउथ पोल, साउथ पोल को किसने दरियाफ्त किया था, तो वो किया था अम्यूंडसन ने, अम्यूंडसन ने। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, इंटिफेडा मीन्स, तो इंटिफेडा का मतलब है अपराइजिंग, मतलब परवान चढ़ना। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, हु व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन कैमरा, आप कैमरा से क्या मतलब मुराद लेते हैं, तो इन अ जज प्राइवेट रूम। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है, स्टेट ऑफ कश्मीर वाज परचेज्ड बाय साइन फॉर, तो जो कश्मीर को परचेज्ड किया गया था वो 7.5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है, हु वाज द पेंटर ऑफ मोनालिजा, मोनालिजा एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है और उसको लियोनार्डो दा विंकी ने पेंट किया है, मतलब इसको तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मोटरवे एट, जो मोटरवे एट है उसकी लंबाई कितनी है एम एट की, तो उसकी लंबाई है 895 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर एटीन है, हु वाज जेल्यू ज़िलीव कौन थे, तो ये थे प्रेसिडेंट ऑफ बल्गेरिया, बल्गेरिया के प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन विच डेट द प्राइज नोबल प्राइज़ इज़ अवार्डेड, जो नोबल प्राइज़ था वो किस तारीख को अवार्डेड किया गया था, दिया गया था, तो वो दिसंबर 10 एवरी ईयर, हर दिसंबर 10 को ये अवार्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव द नोबल प्राइज़, वो कौन थे जिन्होंने एशियन के अंदर पहली दफ़ा नोबल प्राइज़ को रिसीव किया था, तो वो थे आर एन टैगोर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टीमेट रेशियो, अल्टीमेट रेशियो से आप क्या मुराद लेते हैं, तो वो है फाइनल आर्ग्यूमेंट, मतलब आखिरी जजमेंट आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्ट्रा वाइल्ड, तो अल्ट्रा वाइल्ड से आप क्या मुराद लेते हैं, बियॉन्ड वंस अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्लैगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज, तो लाइबिलिटी इक्वेलिटी एंड फर्टर्निटी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 10 डेसीमीटर आर इक्वल टू, तो 10 डेसीमीटर 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन सर्विसेज फॉर्म ई एस एफ,
इज लोकेटेड इन, सो इट वॉज लोकेटेड इन बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 26 है, द वाइटमिन विच इज जनरली एक्सक्रिएटेड बाय ह्यूमन यूराइन इज, तो वो वाइटमिन सी है जो इंसान की बॉडी में स्टोर नहीं रह सकता, नहीं किया जा सकता, इसको डेली लेने की ज़रूरत होती है। वाइटामिन सी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रूथ वाज रिटन बाय, तो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रूथ के जो राइटर हैं वो हैं जोसेफ विल्सन। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एट लीस्ट, तो इंसान खाने के बगैर एक महीने तक जिंदा रह सकता है और पानी के बगैर एक हफ्ते तक। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सीजनल वाइंड्स, तो जो मूनसून है वो सीजनल वाइंड की एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ लाइट ईयर जो रोशनी का साल है वो कितना है, तो वो है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 है, नेम द फर्स्ट सिविलियन वॉर अमंग द मुस्लिम्स, तो जो फर्स्ट सिविलियन वॉर थी अमंग द मुस्लिम मुस्लिम के दरमियान थी, तो इसके बारे में आपने बताना है। ऑप्शन है कि बैटल ऑफ सीफान, बैटल ऑफ नरवान, बैटल ऑफ जमाल और नान ऑफ दीज। दोस्तों अगर आप इस तरह की MCQs को अगर आप खुद सर्च करेंगे तो आपकी नॉलेज में और भी ज़्यादा इजाफा होगा और आपको सीखने की एक तमन्ना, एक लगन होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबल प्राइज़ वाज, वो पहली खातून जिसने नोबल प्राइज़ को हासिल किया वो थी मैडम मारिया क्योर। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्रिस्टोफर कोलंबस वाज, तो क्रिस्टोफर कोलंबस वाज ऑल आर नॉट करेक्टेड, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबल प्राइजेज वाज नॉट क्रिएटेड बाय स्वेडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल, तो वो थे इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इज़ कॉल्ड एज अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, तो अकबा बिन नवाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इज़ आल्सो नाउ एज द लेडी विद द लैम्प, जो लेडी विद द लैम्प तो इसका है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 37 है, पीसा टावर इज़ लोकेटेड इन, तो पीसा टावर है वो इटली के अंदर है और जो फ्रांस के अंदर है वो आपने बताना है, फ्रांस के अंदर कौन सा टावर है, और पेरिस के अंदर जो है वो है आईफल टावर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हेज़बोला इस्लामिक पार्टी ऑफ लेबनन वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, सो तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1982 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 है, द बैटल ऑफ हुनैन वाज फाउट जस्ट आफ्टर ही कॉन्क्विस्ट ऑफ मक्का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ईयर, तो जो ईयर था इसका बैटल ऑफ हुनैन का वो था 630 AD। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ कॉन्टेस्ट इज़ रिलेटेड टू स्पेन इन द सेम वे डाइट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, वो कह रहा है कि जो कॉन्टेस्ट है वो रिलेटेड है स्पेन के और जो डाइट है इसी तरह इज़ रिलेटेड टू व्हाट, और डाइट इस तरह जापान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शी इज़ होपफुल डैश हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे शी इज़ होपफुल ऑफ हर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो ही मस्ट नॉट जीर डैश अदर, तो यहाँ पे आएगा ही मस्ट नॉट जीर विद अदर्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, ही इज़ जेलियस डैश माई प्रोमोशन, तो यहाँ पे आएगा ही इज़ जेलियस ऑफ माई प्रोमोशन। क्वेश्चन नंबर 44 है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज बॉस, तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज बॉस। क्वेश्चन नंबर 45 है, सब्सटेंस यूज्ड टू ब्रिंग रिलीफ इन पेन आर कॉल्ड, एक सब्सटेंस जो पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एनालजेसिस। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ की, तो की का उसका मतलब है की मतलब सॉल्यूशन हल। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोडेबल, तो लोडेबल का मतलब है पारसी वर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफिसेंट, तो यूनिफिसेंट का मीनिंग है जेनेरियस। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू
न्यूप्टियल्स, तो न्यूप्टियल्स का मतलब है वेडिंग। तो आज का क्वेश्चन नंबर 50 या लास्ट क्वेश्चन है, अ कैट डेफर्स डैश अ डॉग। तो इसका आता है अ कैट डेफर्स फ्रॉम अ डॉग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें।